मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम मिलेगा। अब कहीं कॉलेरा फैल जाए तो वहां के लिए क्या हुक्म है? तो ये मतलब की चीजें हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी बहुत मालूम पड़ती है। अमेरिका के बड़े बड़े होर्डिंग पर लिखा हुआ था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कब हुआ ये? लॉकडाउन के ढंग तो वो क्या है वो भी सुन लो, आपको मालूम पड़े। कहीं आम बीमारी फैल जाए, कॉलेरा फैल जाए, प्लेग फैल जाए, मौत होने लगे तो क्या करें? जो लोग उस जगह पहले से मौजूद हैं वो तो वहां से न भागें, बीमारियों से डर के भागना नहीं, और जो बाहर हैं वो उसके अंदर न जाएं। जैसा कि हजरत फारूक आजम को सफर शाम के वक्त पेश आया कि सरहद शाम पर पहुंचकर उनको मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ? मुल्क शाम में ताउन फैला हुआ है, कॉलेरा फैला हुआ है मुल्क शाम में, तो आप को उस मुल्क में दाखिल होने में तरद्दुद पेश आया, जाऊं कि नहीं इन सबको लेके, वहां तो मौत हो रही है, क्या करना? सहाबा किराम से मुसलसल मशवरा करते रहे। आखिर में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने आउफ ने एक हदीस सुना डाली, उनको यह हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजा वका बि अर्ज़िन व अंतुम बिहा फला तखरुजू मिनहा व इजा वका बि अर्ज़िन व लस्तुम बिहा फला तहबितू अलैहा, रवाहु तिर्मिज़ी। जब किसी खित्ते में ताउन फैल जाए, ताउन यानी कॉलेरा प्लेग, जब किसी खित्ते में ताउन फैल जाए और तुम वहां मौजूद हो तो अब वहां से न निकलो, और जहां तुम पहले से मौजूद नहीं वहां ताउन फैलने की खबर सुनो तो उसमें दाखिल ना हो। जिसको बीमारी है वो अगर वहां से निकला तो जाहिर है खुद तो मरेगा, दूसरों को भी शक में मुब्तला कर जाएगा, और जो वहां दाखिल हुआ तो वो भी उस बीमारी का शिकार होगा, तो वो वहीं पर रहे, क्योंकि ये ताउन की मौत उसके लिए शहादत है। क्या है उसके लिए? और जो बाहर वाले हैं वो अंदर ना जाएं। उस वक्त फारूक आजम ने हुक्म हदीस की तामील करते हुए पूरे काफिले को लेकर वापसी का ऐलान कर दिया।